असलम टू ऑल माई ब्यूटिफुलटूडेंट्स सो वेलकम बैक टू योर ओन प्लेटफॉर्म ऑफ जर्नी टू एम बी बी एस टुडे वी हैव इस्टार्टिड अवर सेकेंड लेक्चर ऑफ़ ह्यूमन फिजियोलॉजी ओके सो टुडेज अवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर वी हैव इस्टार्टेड स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स सो लेट्स सी द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम राइट सो ये हमारी नोज है ठीक ये मैंने माउथ ड्रॉ किया हुआ है ठीक है Osionfish. तो ये जो हमारी नोस है आपको पता है कि ये क्या होती है यहाँ से पेयर्ड होती है जिसको हम क्या कहते हैं नोस्ट्रिल्स कहते हैं ठीक है थीके? इसको हम क्या कहते हैं नोस्टल्स कहते हैं नोस्ट्र से थोड़ा सा ऊपर की तरफ आए हम तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा नसल चैम्बर मिलेगा यहाँ पे हमारा ठीक है इस एरिया को हम क्या कहेंगे नसल चैम्बर कहेंगे यहाँ से हम आगे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे नसल कौनके मौजूद होंगे ये आपको तीन लाइंस दिख रही है ये यहाँ पे एक्चुअली असल में बोन्स होती हैं हमारी ठीक है तो वो बोन्स आपको दिख तीन रही हैं लेकिन सिर्फ दो होती हैं यहाँ पे सिर्फ दो बोन्स मौजूद होती है लेकिन वो इस तरह से तीन लाइन्स में नज़र आती हैं हमें तो इसका क्या काम क्या होता है नसल कौनके का नसल कौनके का का काम ये होता है कि जब यहाँ से एयर अंदर आए नॉस्ट्रिल से जब एयर अंदर आए हमने जब इनहेल किया ठीक तो नसल के का काम होता है इस एयर में मॉइस्चर ऐड करना ठीक है तो ये नसल कॉनके के क्या कर देगी इस एयर में यहाँ पे इस जगह पे आके ऑक्सीजन ऐड कर देगी अब एयर में ऑक्सीजन ऐड हो गया मॉइस्चर ऐड हो गया एयर में अब एयर यहाँ से आगे की तरफ आ गया ठीक है अब यहाँ से एयर आगे आने के बाद ये जो पार्ट है ठीक है ये बेसिकली हमारे गले का पार्ट है जिसको हम कहते हैं फेरिंग्स ठीक है क्या कहते हैं हमारे गले को फेरिंग्स कहते हैं और फेरिंग्स इज़ अ कॉमन पासिंग फॉर फूड एंड एयर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये माउथ से हमने ये फूड खाया ठीक है ये रेड कलर का ये फूड है ये माउथ से हमने फूड खाया और ये यहाँ से हमने एयर को इन्हेल किया तो इनहेल की हुई एयर भी यहाँ पर है और ये हमारा खाया हुआ फूड भी यहाँ पर ठीक है ठीके? तो दोनों एक जगह से गुजर रहे इस जगह पे आके दोनों एक ही जगह से पास हो रहे हैं ठीक है तो इसीलिए कहा गया है कि फेयरिंग इज़ अ कॉमन पासिंग फॉर फूड एंड एयर ठीक है तो फूड क्या हो कहाँ चली जाएगी ये माउथ से फूड अंदर आई है अंदर आके फूड यहाँ से हमारी ओसोफिगर्स में चली जाएगी जो फूड का जो ट्रैक है वो ये है ओसोफिगर्स है ठीक है ये यहाँ से फूड आके हमारी गलेट से होके ऑसोफिगर्स में आ गई गलेट क्या है ये ऑसोफिगर्स की जो आपको ओपनिंग नज़र आ रही है ना इस ओपनिंग को कहते हैं गलेट ठीक है ये ओसोफिगर्स की ओपनिंग है ठीक और ये किसका रूट है ये फूड का रूट है ठीक है फूड यहाँ से पास होगी और अब आ जाते हैं हमारी एयर पे जो हमने इनहेल किए तो ये हमारी एयर यहाँ से आएगी हमारे इस ट्रैकिया में कहाँ आ गए ये एयर का जो ट्रैक है वो क्या कौन सा है ये है हमारी ट्रैकिया ठीक अच्छा यहाँ पे आपको आ, दो चीज़ें नज़र आ रही है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये है हमारी ट्रैकिया की ओपनिंग जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि हमारी जो ऑस फिगर्स की ओपनिंग है उसको हमने क्या कहा उसकी ओपनिंग को गलेट कहा ठीक है तो ये जो हमारा जो रूट है ट्रैकििया इसकी जो ओपनिंग है इसको हमने क्या नाम दिया है इसको हमने कहा है ग्लोटिस ठीक है इसको हमने क्या कहा है ग्लॉटिस और ये यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ठीक है ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर किस चीज़ के लिए है मैं अभी आपको बताती हूँ ठीक है लेकिन इसका नाम हमने आ, क्या रखा है इसका नाम है एपिग्लॉटिस जो ट्रैकिया की जो ओपनिंग है उसका नाम है ग्लॉटिस जो ट्रैकिया की ओपनिंग के ऊपर यह फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है कार्टिलेज से बना हुआ इसका नाम है एपीग्लॉटिस ये एपिगलॉटिस किस तरह से काम करता है इट्स लाइक डोर इस तरह से काम करता है ये ठीक है डोर लाइक स्ट्रक्चर है ये ये यूँ क्लोज़ हो जाता है फिर यू ओपन हो जाता है लेकिन ये क्लोज और ओपन क्यों होता है इसका मकसद क्या है ये आपको फूड दिख रहा है इसके ऊपर बिल्कुल सेम इसी के ऊपर ठीक है ये फूड जैसे हमने माउथ से खाया ये फूड खाने के बाद आना तो इस गलेट में इस फूड को ठीक है क्योंकि इसका रास्ता ये है और फिगर्स है लेकिन फूड जैसे यहाँ से पास हो रही होती है तो ये जो एपिग्लॉटिस है ये हमारा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है ये ट्रैकिर की जो ओपनिंग है ग्लॉटिस इसका रास्ता बंद कर देता है समझ आया आपको दिस इज अ डोर लाइक स्ट्रक्चर जैसे ही फूड यहाँ से पास होगी तो ये एपिग्लॉटिस इस तरह से बंद हो जाएगी ठीक है अपना जो रास्ता है वो बंद कर देगा क्यों ताकि ये फूड हमारे एयर वाले ट्रैक में ना चला जाए ठीक है एयर वाले रास्ते में फूड ना चला जाए आप जानते हैं कि अगर चला गया तो क्या हो सकता है तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ये एपिग्लॉटिस यहाँ मौजूद होती है ठीक है ताकि फूड ऑसोफिगर्स में ही जाए और जो ये एयर है एयर ही इस ट्रैक्य के अंदर आए ठीक तो एयर यहाँ से ट्रैकिया के अंदर आए अच्छा ये ग्लॉटिस uh, के बिल्कुल नीचे आपको ये एक स्काई ब्लू कलर का बॉक्स दिख रहा है स्क्वायर बॉक्स इस बॉक्स को कहते हैं वॉइस बॉक्स ठीक है लेकिन इसका नाम क्या है इसका नाम है लैरिंग्स ये हमारा फेरिंग्स था जो गले का हिस्सा था और ये जो ट्रैकिया में जो ये बॉक्स है इस बॉक्स को कहते हैं वॉइस बॉक्स इसका नाम है लैरिंग्स ठीक है उसके नीचे आ जाते हैं हम ये जो ट्रैकिया हमारी इस ट्रैकियो में ये आपको कुछ कार्टिलेज रिंग लाइक कार्टिलेज दिख रही है ठीक है कौन सी शेप है ये सी शेप है सी शेप कार्टिलेज रिंग्स है ये ये रिंग्स कार्टिलेज की बनी होती है कार्टिलेज और बोन का बहुत अच्छा डिफरेंस आपको पढ़ने को मिलेगा इसकेलेटर सिस्टम वाले चैप्टर में लेकिन मैं थोड़ा बता देती हूँ कार्टिलेज क्या होती है और, और ये कौन सी कार्टिलेज है ये हेयर लाइन कार्टिलेज है हेयर लाइन कार्टिलेज आपकी मौजूद होती है जैसे कान कान के जो पिन्ने हैं वहाँ पे आपको मिलेगा ठीक है उसके बाद ये आपकी नोज़ की जो टिप है ये क्या है नोज़ की टिप ये बोन नहीं है आपकी ये कार्टिलेज है ठीक है और अच्छा हेयर लाइन कार्टिलेज क्या होती है हेयर लाइन कार्टिलेज थोड़ी हार्ड कार्टिलेज होती है ठीक है कार्टिलेज भी आ, कुछ होती है थोड़ी हार्ड होती है कुछ होती है थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है ठीक है ये हेयर लाइन कार्टिलेज हमारी यहाँ से ट्रैकिया से नीचे जब आए हम तो ये हमारा जो ये ट्रैकिया है डिवाइड हो गया ठीक है यहाँ से डिवाइड हो एक देख रहे हैं इधर चला गया एक इधर चला गया इसको क्या कहते हैं इसको हम ये जो दो ब्रांच अलग हो गई इसको हम कहते हैं ब्रॉन इसको और इसको हम कहेंगे ब्रॉनकाय ये ब्रॉनकाय अब आगे लंग्स में जैसे ही इंटर हुई लंग्स में इंटर होके ये मजीद ब्रांचेस में ये डिवाइड हो गई ठीक है इन ब्रांचेस को ये जो ब्राउनकाई मजीद काफ़ी ब्रांचेस में जो डिवाइड हो गई इनको हम कहेंगे ब्रॉन ठीक है इनको हम कहेंगे ब्रॉन और ये देख रहे हैं आप बिल्कुल एंड में ये जो सर्कल सर्कल सा बनाया हुआ है गोल गोल से ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम कहेंगे एलवियलाई ये बहुत काम के स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत ज़्यादा और ये बिल्कुल भरे पड़े होते हैं ठीक है हमारे पूरे लंग्स के अंदर भरे पड़े होते हैं ये एलवई और हमारे लंग्स किस तरह के होते हैं इस्पॉन्जे से बैग लाइक से स्ट्रक्चर होते हैं हमारे लंग्स के ठीक है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक लंग्स का जो ये जो राइट लंग्स है ये थोड़ा सा आपको छोटा नज़र आ रहा है ठीक है और ये जो लेफ़्ट वाला है ये थोड़ा सा आपको लंबा नज़र आ रहा है ये बनाने में गलती नहीं हुई है इनका शेप ही इसी तरह का होता है ठीक है और ये जो इसके नीचे आपको नज़र आ रहा है ये है हमारा यूनिक डाया फ्रेम ठीक है ये है हमारा यूनिक डाया फ्रेम ये मैंने इसको यूनिक क्यों कहा क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ मेमल्स में पाया जाता है ठीक अब आ जाते हैं लंग्स की शेप की तरफ ठीक है ये जो मैंने बताया था राइट वाला लंग जो है लंग जो हमारे हैं तो इसमें तीन लोब्स मौजूद है ठीक है इसमें कितने लोब्स है तीन ये आपको दिख रहा है पहला ये दूसरा ये तीसरा ये लाइन दिख रही है आपको मैंने जो पार्टीशन के लिए बनाई है ठीक है वो सबसे पहले वाले को क्या कहते हैं सुपीरियर ठीक है और जो बीच वाला है उसको क्या कहेंगे मीडियन और जो बिल्कुल लास्ट वाला है नीचे वाला उनको क्या कहेंगे इनफीरियर ठीक है और जो आप देख सकते हैं कि ये जो राइट वाला हमारा जो लंग है ये क्या है शॉर्टर है और क्या है ब्रॉडर है शॉर्ट है और क्या है ब्रॉड है और ये जो फिजर है इसकी ठीक है ये किस तरह की फिजर है हॉरिजॉन्टल फिजर है और ये ओब्लिक फिजर है आपको याद है कि जब हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट वाला चैप्टर जो कर रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि वो सल्कस और फिजर मैंने कहा था ये को आगे पढ़ने को मिलेगा सर्कस क्या था गड्ढा था हल्का गड्ढा ठीक है जो हार्ट में मैंने बताया था वो जो इंटर ऑरिकुलर सर्कस इंटर वेंट्रिकुलर सर्कस ठीक है और मैंने बताया था जो बिल्कुल गहरा गड्ढा था एक और उसको क्या नाम दिया था हमने फिजर का नाम दिया था तो यहाँ पे इनको क्या कहेंगे हम फिजर कहेंगे यहाँ पे सर्कस नहीं है यहाँ पे फिजर है क्योंकि यहाँ पे गड्ढे गहरे हैं ठीक है थीके? अब हम आ जाते हैं लेफ्ट वाले लंग पे ये क्या है लॉन्ग है और सिलेंडर है सिलेंडर मीन्स पतला लॉन्ग है और सिलेंडर है और इसमें दो लोब्स पा जाते हैं सुपीरियर और इन्फीरियर ठीक है और इस फीचर को क्या कहेंगे ऑब्लिक फीचर ठीक है अब आ जाते हैं इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरफ जैसे कि हमने हार्ट में भी पढ़ा था कि उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है मैंने कहा था हर ऑर्गन के ऊपर कोई ना कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ठीक तो जो हार्ट के ऊपर जो हमने प्रोटेक्टिव कवरिंग पढ़ी थी आपको याद है उसका क्या नाम था हुँ? उसका नाम था पेरी कार्डियम रिम आर यू रिमेंबर डेट चलिए अब आगे चलते हैं तो जो हमारी लंग्स के ऊपर जो आ, प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं प्लूरा ठीक है यहाँ पे भी दो लेयर्स मौजूद है ठीक है जो ऑरेंज कलर की है ये बिल्कुल इनर लेयर है जिसको हम क्या कहेंगे इनर प्लूरा कहते हैं या फिर उसका नाम है विसरल विसरल मतलब आपको पहले भी बताया था कि जो इनर पार्ट्स वगैरह होते हैं उनको भी हम अक्सर विसरल कहते हैं विसरल का मतलब है आ, इनर ठीक तो ये जो अंदर वाली लेयर है इसका नाम है विसरल या फिर इनर प्लूरा और ये जो पिंक कलर की सेकेंड लेयर है बाहर वाली इसको हम कहेंगे आउटर प्लूर या फिर पेराइटर ठीक है और ये बीच में दोनों लेयर्स की बीच में मौजूद है प्लूरल फ्लूड ठीक है क्या मौजूद है प्लूर प्लूरल फ्लूड और इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कह दिया जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन भी कहा कह, कह सकते हैं हम इनको ठीक है और ये क्या करते हैं ये जो आ, प्रोटेक्टिव लेयर लेयर्स होते हैं इट प्रिवेंट्स फ्रिक्शन डेसिकेशन या डिहाइड्रेशन और क्या कहते हैं शॉर्प एब्जॉर्ब सेम वही चीज़ें हैं जो हमने हार्ट वाले चैप्टर में उसकी प्रोटेक्टिव लेयर में पढ़ी थी ठीक है अच्छा अब आ जाते हैं हार्ट के शेप की तरफ कि किस तरह का होता है वो सॉरी लंग्स के शेप की तरफ कि किस तरह के होते हैं हमारे लंग्स ठीक है रफली होते हैं ट्राइंगर जैसे ठीक है पेयर्ड होते हैं और प्रोटेक्टिव बाय केज एंड प्लूरा प्लूरा तो इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग है और ये रिप केज मतलब ये लंग्स और ये जो हमारे हार्ट वगैरह है ये रिप केज से कवर प्रोटेक्टिव होते हैं ठीक है अच्छा जाते जाते एक और छोटी सी चीज़ डिस्कस करते जाए लास्ट बट नॉट लीस्ट ये जो हमारा जो ये क्रैकिया है इसके अंदर आपको पता है कि कुछ सेल्स होते हैं ठीक है ठीके? और उन सेल्स का नाम क्या है और वो क्यों होते हैं क्या करते हैं अक्सर आपने देखा होगा जब हम सुबह सो के उठ रहे होते हैं तो हमारी आवाज़ बहुत अजीब सी हो रही होती है ठीक है गले को हमें साफ़ करना पड़ता है और वो क्या हो है हमारे गले में कुछ फील हो रहा होता है कि गले में कुछ है जिसको हम जिसकी वजह से आवाज़ ख़राब सी फील होती है सुबह उठने के बाद वो ये सेल्स होते हैं ठीक है ठीके? वो क्या होता है असल में वो होता है म्यूकस हमारे गले में वो म्यू, उस म्यूकस को बाहर धकेलने के लिए ये हमारे सेल्स मौजूद होते हैं हमारे उसमें गले में ठीक है तो ये सेल्स बेसिकली ट्रैकिया के अंदर मौजूद होंगे ये कुछ इस तरह से सेल्स होते हैं ठीक है और इसमें ये कुछ आ, सीलिया होती है ठीक है दोनों तरफ तो ये सीलिया सीलिया क्या होती है सीलिया वो वाले सेल्स होते हैं जो मूव करते हैं जो इस तरह से मूव करते हैं सीलिया ठीक है लेकिन इस सेल्स का नाम क्या है इस सेल को क्या कहते हैं ये जो बिल्कुल शुरू में ये जो सेल्स है बिल्कुल वॉल के साथ इसको हम कहेंगे कॉलमनर सेल्स और बाद में क्या है ये हमारी सीलिया है ठीक है और ये जो बीच में दिख रहा है आपको डॉटेड डॉटेड से ये म्यूकस म्यूकस होते हैं जिनको ये सीलिया क्या करती है ऊपर की तरफ धकेल रही होती है ठीक है और ये क्या होते हैं ये सेल्स इंटरनली लाइंड बाय सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सिलटिड एपिथीलियम ये इन सेल का नाम है पूरा नाम ठीक है घबराने की ज़रूरत नहीं है ये बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा अगर आप इस नाम को समझेंगे सूडो का मतलब क्या होता है सूडो का मतलब होता है फॉल्स स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है लेयर्स यह आप देख रहे हैं कि ये यहाँ लेयर्स में मौजूद है ना तो इसलिए स्ट्रेटिफाइड ठीक है उसके बाद कॉलमनर सीलिएटेड, सीलिया भी मौजूद है ठीक है ये सीक्वेंस है इन सेल्स के साथ सीलिया मौजूद है और एपीथीरियम मीन सेल एपिथीलियम कहते हैं सेल्स को तो इसका नाम क्या है सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सीलिएटेड एपिथीलियम। अच्छा अब चलते हैं हमारे आ, ब्रॉनक्योर्स की तरफ ठीक है ये जो ब्रॉनक्यूर्स है ना हमारे जो लंग्स के अंदर फर्दर मोर ब्रांचेस में जो डिवाइड हो रहे थे इन ब्रॉनक्योर्स के अंदर भी ऐसे सेल्स पाए जाते हैं लेकिन सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंट होता है इन सेल्स का नाम क्या है सूडो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉयडर ठीक है सिर्फ ये क्यूबॉयर का फ़र्क है यहाँ पर क्यूबॉय सीरिएटेड एपिथीलियम ठीक है क्यूबॉडल का मतलब क्या होता है क्यूबॉडर कहते हैं स्मॉल ठीक है क्यू बॉर्डर का मतलब होता है स्मॉल यहाँ पे थोड़े स्मॉल साइज के सेल्स मौजूद होते हैं इसलिए यहाँ पे कॉलमनर की जगह क्यूबॉडर नाम रखा गया है बाकी सब कुछ पूरा नाम सेम है ये दो सेल्स आपको याद रखने हैं एक सेल्स कहाँ मौजूद है हमारे ट्रैकिया के अंदर मौजूद है और दूसरा सेल हमारे ब्रॉन्स के अंदर मौजूद है ठीक है तो उम्मीद है आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी अच्छा एक और चीज़ ये जो हमारे ये जो ब्रॉनकाय होती है ये जो ब्रॉनकाय की जो डिवीजन होती है ठीक है ये हमारा ट्रैकिया है ये ट्रैकिया हमारा ये यहाँ से ये जो ब्रॉनकाय ब्रॉनकाय की ये जो डिवीजन हो रही है जो ये जो दो ब्रांचेस में यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं ये एक्जैक्टली exactly कौन सी जगह से डिवाइड हो रहे हैं ठीक है मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ अगर हम हमारे वर्टिब्रेट्स को देखें ठीक है बैकबोन को अगर हम देखें तो वो कहाँ से हो रही है हमारी फिफ्थ वर्टिब्रे से ये जो हमारा जो सेकेंड वर्टिब्रे है जिसको हम कहते हैं थोरासिक जिसमें ट्वेल्व वर्टिब्रे होते हैं ठीक है थीके? उसके नंबर फिफ्थ वर्टिब्रे से ये डिवाइड हो रहा है अगर हम इन दोनों को एक जगह रख के देखें कि ये एग्जैक्टली exactly, किस जगह से डिवाइड हो रहा है तो कहाँ से हो रहा है ये हमारे फिफ्थ वर्टिब्रे से डिवाइड हो रहा है ठीक है अच्छा अब हम थोड़ी सी और डिस्कस कर लेते हैं हमारे एल के बारे में ये जो मैंने कहा था ये जो गोल गोल से आपको नज़र आ रहा है हमारे एल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ठीक है अब एल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये होती क्या है क्या करती है किस तरह होती है ठीक है ये क्या होती है लंग्स की ये यूनिट होती है क्या कहेंगे इसको यूनिट ऑफ लंग्स कहेंगे ठीक है और ये कितनी मौजूद होती है वन फिफ्टी मिलियंस मौजूद होती है ये लंग्स में ठीक है और इनका काम क्या होता है इंक्रीज द सर्फिस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज गैसेस एक्सचेंज में तो इनका बहुत बड़ा रोल प्ले है इसी में गैसेस को एक्सचेंज किया जाता है हमारी ठीक है थिन वॉल होती है इसके ठीक है हायर वेस्कुलर होता है और क्या होता है मॉइस्ट होता है ये बहुत ठीक है और इसकी जो वॉल है एलवै की ये वन एम एम थिक होती है ठीक अब कल कल हम मजीद डिस्कस करेंगे हमारे ब्रीदिंग के बारे में और रिस्पायरेटरी के बारे में कल हम डिस्कस करेंगे कि ब्रीदिंग और रिस्पायरेटरी सिस्टम आखिर में आखिर होते हैं क्या है, किस तरह से काम करते हैं ठीक है